हेलो माय डियर सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मैन 1111 में। आज का टॉपिक है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइम की एनर्जी ही ऐसी है ट्रिगर वाली। हर एक डीएफ के ज़िंदगी में कोई ना कोई ट्रिगर चालू है। अगर डीएफ न्यू है या मिडल में है या फिर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो भी कुछ ना कुछ ट्रिगर के जैसा आपको इस टाइम लग रहा है। अगर आप अपने घर वालों के भी साथ हैं, वहाँ से भी आपको कहीं से ट्रिगर मिल रहा है। आप अपने शादीशुदा मतलब सोलमेट के साथ है तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये लोग क्यों कार्मिक के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो इस टाइम आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन की एनर्जी है और ऊपर से डीएम के मिसिंग की भी एनर्जी है। तो मैं आपके लिए ये वीडियो इसीलिए लाई हूँ कि देखिए, जब भी हम हमारे इशू फाइंड करने की कोशिश करते हैं या फिर किसी भी वीडियो में सुनते हैं तो डीएफ का दिमाग हो जाता है काम करना बंद। पूरा मेरा तो पूरा दिमाग ख़राब हो जाता था अगर मैं ये बात सुनती थी कि अपने इशू को हील करो, उन्हें फाइंड करो। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसको कैसे करना है। तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत अच्छी ट्रिक एंड टिप्स जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की थी, और मैं चाहूँगी कि ये आप भी अपने ऊपर करें और इसको भरपूर शेयर करें ताकि किसी को अपने इशू फाइंड करने में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, इस टाइम क्या हो रहा है कि आपको मिल रहे हैं ट्रिगर। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रिगर मिल रहा है, किसी दिन मिल रहा है, अभी, कल, परसों या आने वाले दिन कभी भी अगर मिले, तो बिल्कुल याद रखना कि उस पर आपने रिएक्ट करना नहीं। सबसे पहली चीज़ करना है कि आपको उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट करना नहीं है। ओके, कितना भी गुस्सा आए, कितना भी अपना गुस्सा अपने अंदर रखे, ठीक है, उसके बाद अपना पूरा गुस्सा उस पेपर पे लिखे, मतलब लिखे, बैठे अपने साथ और लिखे। आपको जो भी कुछ लिखना है, चाहे आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, आपको गाली देने का मन कर रहा हो, सब कुछ उसमें लिखे, ठीक है। और उसको बस 5 मिनट अपनी आंखें बंद करें और उसको दोबारा फिर पढ़े, और उसके अंदर ही आपको अपने या अपना इशू मिलेगा। कैसे? मान लो अगर आपने, आप डीएम की बात ले लेंगे, अगर आपने अपने डीएम को उनके थर्ड पार्टी के साथ देख लिया, ओके, और आपको बहुत अजीब सी जलन हो रही है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, घर आए फिर आपको गुस्सा आया, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आया, तो उसको लिखे और देखिए कि आपको आपकी फीलिंग कैसी है। आपको तुरंत पता चलेगा कि आपको उससे जलन हो रही है। तो ये हो गए आप, ये होगा आपका जेलेसी का इशू। तो इस प्रकार अगर आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है तो वो भी गुस्से को एक्सेप्ट करेगी। आपके एंगर का इशू हो रहा है। अगर आप किसी को देख रहे हैं वो अच्छी लग रही है लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं, ये इस तरह से नहीं, ये उस तरह से होना चाहिए, तो ये आपका जजमेंट का इशू हो गया। तो इसी तरह हम हमारे इशू पकड़ते हैं, ठीक है। तो कहीं भी आपको ट्रिगर आए या फिर आपको अचानक से लो एनर्जी में जाने लगे और आपको अंदर से आवाज़ आने लगी कि नहीं, ये मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर ये मैं नहीं हूँ, तो उसी टाइम लिखे उसे या फिर शांत होके दिमाग में देखे कि हम क्या, हमारे दिमाग में क्या थॉट चल रहे हैं। तो अगर आप किसी को जज कर रहे हैं, आपको जलेसी फील हो रही है या फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किस बात का आपको डर लग रहा है, मानो अगर आपके डीएम, आपने बहुत अच्छा काम किया है या आप जर्नी के मिडल में हो और फिर भी आपको डर लग रहा है आपके डीएम आपको मिलने के आए, अगर आप डर के एनर्जी में रहेंगे तो वो तो मतलब आपको मिरर करेंगे ना, तो आपको एक अजीब सा डर लगेगा, तो उनको भी डर लगेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको देखना है बस कि आपको लग क्या रहा है और उसे एक्सेप्ट करना है और बस उसे रिलीज़ करना है। तो ये सिंपल सा ट्रिक एंड टिप्स है जो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो में, बहुत मुझे जितना पता है मैं उतना ही बताऊँगी। मैं नहीं बोल रही कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या फिर मुझे बहुत सारा नॉलेज है। मैं भी अभी जर्नी में ही हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। तो बस मैंने जो किया, क्योंकि बहुत सारी डीएफ होती है वो फाइनेंशियली मतलब इतनी अच्छी नहीं होती, नहीं ले सकते कि हम आपको बताएंगे ऐसा करना है वैसा करना, नहीं हो सकता। बहुत सारे डीएफ मेरे जैसे हैं, तो क्यों ना हम डिवाइन का ही सहारा लेके हम अपने आप को हील करें। डिवाइन आपको हर तरह से हील करने में मदद करेंगे, बस
आपको यही करना है कि उनको फॉलो करना है, उनके साइन को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। तो यही मैंने फॉलो किया मेरे जर्नी में, कि मेरे इशू मुझे फटाफट से मैं पकड़ने लगी थी, कि जब भी मुझे ट्रिगर आया तब मैंने बस उस पर रिएक्ट करना बंद कर दिया और अपना पेन लिया, लिखा, उसे पढ़ा और समझ में आया कि हाँ मुझे जलन हो रही है, हाँ मैं एंगर की एनर्जी से ऑपरेट कर रही हूँ, हाँ मैं जजमेंट की एनर्जी में हूँ, हाँ मेरा ईगो हर्ट हो गया है। और जिस दिन आपको ट्रिगर ना आए, आप बिल्कुल न्यूट्रल रहे, या फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा डीएम किसी के साथ हो या फिर कोई कैसा दिख रहा, बस आप अपने में ही है, आप अपने इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने से प्यार कर रहे हो और आप अपने बॉडी के साथ, सोल के साथ, माइंड के साथ बहुत खुश हो, उसी टाइम अगर आपके साथ में कुछ हो भी जाए, आपके घर वाले या फिर बाहर वाले, आपको किसी बात की चिंता नहीं, आपको ट्रिगर नहीं, तो समझ जाना कि आप बिल्कुल डिवाइन के रास्ते पे हो। तो ये छोटी सी बात है जो मुझे आपको बतानी है, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे ट्रिगर मिल रहे हैं मेरे सारे डीएफ को, जिन भी कैटेगरी की डीएफ हो उनको मिल रहे हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो बिल्कुल अपने इशू को पकड़े, और इस आने वाले मून पे, अभी आएगा ना फुल मून आएगा शायद, हाँ, तो उस पर रिलीज़ कर दें। ओके, देखिए अगर हमारे ज़िंदगी में कोई ट्रिगर आ रहा है, हमारा इशू कोई सरफेस आ रहा है, अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन हमारी सोल उसे एक्सेप्ट करती है, पहचानती है, तो आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने। आपको हमेशा एक अंदर की आवाज़ सुनाई देंगी कि नहीं, ये तुम्हारा इशू है, हाँ मुझे जलन हो रही है, हाँ मैं ईगो मतलब ईगो से ऑपरेट कर रही हूँ। तो वो अपने अंदर की आवाज़ को आप बिल्कुल भी सुने, आपको अपनी इश्यू पकड़ने में बहुत हेल्प होगी। क्योंकि हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते हमारे इश्यू, लेकिन हमारी सोल बिल्कुल एक्सेप्ट करती है हर चीज़ को। तो ये था आपके लिए वीडियो, आई होप मैंने आपको हेल्प की होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाला वीडियो सिर्फ डीएम डीएफ की करंट एनर्जी पे लाऊंगी, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।